माफिया जो है वो एक्सपोर्टेड गंदम खा रहा है, पाकिस्तान मीठी मीठी गोलियों से काम चल गया। ये नहीं है गोलियां, मोहब्बत किया, इश्क किया, कोई भी गलती नहीं। पीटीआई की स्ट्रेंथ हो और पीटीआई मुझे अपनी स्ट्रेंथ बनाए, कमजोरी ना बनाए। आमिर लियाकत ने अब क्या कहती है, प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है या क्या है? टीम का लेवल ढूंढ रही हो आगे, जिस तरह अपोजिशन अपना लेवल ढूंढ रही है। एक्सकवेटर तो भी बैठ के ये बता दिए कि नंबर वन पे है फिरदौस आज़ाद जगवान साहब। हुकूमत के तर्जुमान कहाँ हो गए गायब। हम बात करें जनाब उस शख्सियत की जो इमरान खान की तर्जुमान थी, बुज़दा की तर्जुमान थी, फिर गायब हो गई। फिर सवाल उठा किन हलकों की तरफ गई है। अरे भाई हलकों की तरफ नहीं, हलके की तरफ गई है, हलके में मौजूद है तो गायब नहीं है, बड़ी एक्टिव है। हमने सोचा क्योंकि मीडिया पर नजर नहीं आ रही तो जरा जाकर पूछे, इसलिए आ चुके हम डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब के हलके में। लेकिन यहाँ आकर क्या देखा, बग्गी में सवार है। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी आप? ये बग्गी में जा रही है कहाँ? ये जा रही हूँ मैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि आवाम की तवक्कुआत, आवाम की मुश्किलात, आवाम का जो जोश व खरोश और मसाइल हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए इस इलाके की तकलीफ को ख़त्म करने जा रही हूँ। सही। और क्योंकि ये एक आपका मेरी तलाश गुमशुदा के लिए यहाँ पहुँचना और छापा मार मुहिम आप छुपे रुस्तम निकले। पापा हम ऐसे ही करते हैं, हमने कहा जरा देखें कि आपा वाकई ना फौन उठाती है, आखिर गायब किधर है? आप समझ आया, आपा जी सवाम के दिलों में उनके साथ है। वैसे आपा मुझे ये बताएं, जवानी में ये मैचिंग करती रही हैं क्या आप दोस्तों के साथ? नहीं, हम पे आई कहाँ है। अभी तो जवानी है आपा, जवानी तो है, जितनी आप एक्टिव है माशाल्लाह। जितने दुख है आपने लोगों के अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली अर्ली एज में, वो अपना आप तो भूल गए, अपनी कहाँ रही है पहचान, तो लोगों के दुखों में इतने गुम हो गए कि अपना आप जो है वो कहीं। वैसे यंग एज में ब्राइट कलर्स पहनने पे किसी कजन ने, किसी लड़के ने कहा था बहुत प्यारी लग रही हो। असल में ना जो मेरा बचपन था, स्कूल लाइफ थी, वो सारी एक चीज के तौर पे ना डोमिनेट करने और एक खौफनाक किस्म का मेरा इमेज था। अच्छा, तो मेरे कजन भी ये जुर्रत नहीं करते थे कि मुझे इस तरह की कोई दिल खुशहाली कर ले। अच्छा, किसी ने नहीं की शुरू मेरे चेहरे पे गुस्सा जो है जिसके अंदर ये ख्वाहिश होती भी होगी तो नहीं मर जाती थी। पापा आपने प्यार किया, मोहब्बत की या इश्क किया? मैंने इसमें से कोई भी गलती नहीं की, कभी भी नहीं की। प्यार किया अपने फैमिली से, बच्चों से, दोस्तों से बहुत प्यार किया और अभी करती हूँ, अपनी आवाम से प्यार करती हूँ। और इश्क जो है वो शुरू से जो है मुझे अपने काम से रहा, अपनी काज से रहा। आमिर लियाकत ने अब क्या कहती है इससे शादी, प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है या क्या है? पागलपन, दीवानगी और पागलपन। ठीक है जी, पहुंच चुके जलसा में, जलसा भी अपने खाते हैं और आज का दिन फिरदौस आशिक अवान साहब के हलके में रही है बातचीत के साथ। आपा क्या नजर आ रहा है? ये इसका ना स्कीम का लेवल ढूंढ रही हो, ओके, जिस तरह अपोजिशन अपना लेवल ढूंढ रही है। आपा क्या ख्याल है, आज कुछ नया करते हैं, आज इस एक्सकवेटर को ऑपरेट आपसे करवाते हैं? पता नहीं अब उसकी जद में मैं आऊंगी या मेरी जद में वो आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है हो जाए। वैसे जब भी आपा को चैलेंज दिया हमने, आपा ने वो चैलेंज कबूल भी किया है और ये साबित किया कि आपा हर काम कर सकते हैं। आज हो जाए एक्सकवेटर, फिरदौस आशिक अवान एक्सकवेटर पर, और आज हम देखेंगे कि वो ये चला सकते हैं। नहीं आपा प्लीज आइए, आपा सब कुछ का हक है। फिरदौस आशिक अवान साहब ने ये पहली बार एक्सकवेटर पे भी बैठ के ये बता दिए कि सवारी कोई भी हो, काम कोई भी हो, नंबर वन पे है फिरदौस आशिक अवान साहब। आप ये सीवरेज लाइन की पाइप्स डालना इस इलाके के लिए कितना ज्यादा जरूरी था? ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये मेरा खरोटा सिलदा यूनियन काउंसिल जो है
ये मोर देन 25,000 की आबादी पर मुश्तमिल है। हर सीज़न जो मानसून का है उसमें आप देखते हैं कि ये इलाका डूब जाता था पानी, सही। और ये लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती थी, लोगों के ये सारे जो सरसब्ज खेत आप देख रहे हैं ये पानी सारा यहाँ पे ओवरऑल इस हद तक ओवरफ्लो करता था, क्योंकि ये नाला इसके साथ जो आप देख रहे हैं बड़ा मशहूर नाला, आपको नाला पलखू आपने सुना होगा। जी जी जी। तो हमने ये किया कि ये सारी मेन पाइप और ड्रेन डाल के इससे अब हम नाला पलखू में ये इस गांव का सारा सीवरेज और ड्रेनेज का जो पानी है वो सारा अब नाले में फेंकने जा रहे हैं। That shows आपा अपने इलाके के तरक्याती कामों में ना सिर्फ उसके फंड्स के हवाले से बहुत हमें आगे नजर आएंगे। और ये जबरदस्त जी पाइप पहुंच गए, नीचे जिंदाबाद। क्या बात है, प्लीज आ जाओ। घूमते फिरते आपा वक्त नहीं मिलता खाने का, फिर क्या आपने अपने जंबील से निकाला है? ये जंबील में आपको पता है कि कई डाके डलते रहते हैं इस पे और कई दफा जंबील चोरी हुई है। ये है आपा की ताकत का राज, बादाम। बांटती भी जा रही है सबको, जबरदस्त जी। अच्छा आपा, अब आप जिस तरह आगे जा रहे हैं, ज़ाहिर है कॉर्नर मीटिंग्स भी हैं, जलसे भी हैं, ये माहौल सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात का है या कि ये माहौल डेढ़ दो साल बाद होने वाले इलेक्शंस का भी है? ये सारा कुछ जो है हमारा तो हर दिन इलेक्शन का दिन होता है ना, जनरल इलेक्शन का दिन होता है। हमें तो कोई माफी नहीं है ना को हमें छुट्टी है। क्योंकि आपको पता है कि जिसके फातिहा नहीं पड़ा वो हमारी सियासी फातिहा पड़ जाता है। अब हम आ चुके हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा के डेरे पर, और यहाँ पर रौनक क्यों है, गहमा गहमी क्यों है, नशिस्त किसके जनाब, होने जा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात और उसके लिए यहाँ पर तैयारी है। तो बड़ा खूबसूरत सा जुमला है यहाँ पर, हल्का बंदियाँ नहीं होने के बाद वादा या काटा। अब ये वादे से और काटे से किसका नुकसान किसका फ़ायदा आपको दिखाते हैं, आइए। आपने लोगों से सवाल किए काटे वादे के, ये जो काटे वादे के सवाल थे, ज्यादा लोग इस काटे वादे से खुश हुए हैं कि मसाइल का शिकार हुए हैं? अंदर बैठो। आपको पता है कि यहाँ पे मसाइल इतने हैं, वसाइल कम है। जितनी मुलाकातें अब तक हुई हैं लोगों के चेहरों के तासरात तो हमें कुछ बता रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं आपने क्या अब्सॉर्ब किया, कितने फीसद तैयारी आपको लग रही है पीटीआई की हो गई है? देखिए बेसिकली जो मुजाहिद होते हैं वो हर वक्त मोर्चे पे खड़े होके अपनी जंग लड़ रहे होते हैं। ये जो लोग हैं ये सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन में ही इनकी मोबिलिटी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ये हर संडे को जब मैंने आना होता है तो ये सारे मेरे लोग जो हैं इन्होंने मेरे पास यहाँ डेरे पे अपने अपने कामों के सिलसिले में लोगों की तकलीफ को हाईलाइट करने के लिए या ओवरऑल जो मुश्किलात हैं, जिसमें कोई इसमें शक नहीं है कि महंगाई ने मुश्किल में डाला हुआ लोगों को। डॉक्टर साहब, इस नशिस्त में जो लोगों के सवालात थे वही थे जो धूप में बैठे लोगों के थे? तकलीफ का दर्द जो है वो एक ही है, सांझी है। कितने फीसद दवाई जो है वो भी एक ही है, वो भी एक ही है। अब आप पॉलिटिकल डॉक्टर के पास दवाई वैसे भी डबल डोज वाली है, डबल डोज वाली है, मीठी मीठी गोलियों से काम चल गया, दे दी है गोलियां, हुकूमत भी गोलियां देती है, बस हुकूमत कहीं पे शुगर कोटेड है तो कहीं कहीं जो है वो तकलीफ वाली है। मेरी इन लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं कि मैं कौन सी जमात में हूँ, सही है, ये मेरी लीग है, जिधर मैंने जाना उधर इन्होंने चल पड़ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। नहीं, इसका मतलब ये भी है कि आपने कहीं और स्ट्रेंथ, आपने कहीं और चले जाना है। मैं पीटीआई की स्ट्रेंथ हूँ और पीटीआई मुझे अपनी स्ट्रेंथ बनाए, कमजोरी ना बनाए, स्ट्रेंथन करे। बिल्कुल, पीटीआई मुझे कमजोर करने में अपनी तवानाइयां ना लगाए। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी आपने की और बड़े जबरदस्त अंदाज में की, लेकिन एक जुमला आपका मैंने कहीं सुना, आपने कहा कि जो तर्जुमानी की वही गुफ्तगू इमरान खान साहब के साथ नहीं की आपने, जो मामला देखे रिपोर्ट के में इमरान खान साहब को नहीं बताया आपने। मुझे उन्होंने भेजा था वहाँ अपने
राइट्स के कस्टोडियन के तौर पे ना, कि पार्टी की जंग लड़नी है सही, और मैं पार्टी की जंग लड़ रही थी वहाँ, जो मुझे गलत लग रहा था, जो मुझे गलतियां नजर आती थी या जहाँ गैप्स नजर आते थे, तो मेरी ईमानदारी ये थी कि मैं वो सही तरीके से खान साहब तक पहुँचाऊँ। अच्छा, और वो उसमें बिल्कुल कोई चीज ना छुपाऊँ। और नहीं छुपाई, और मैंने वो, और वो मेरा जुर्म बन गया, ना छुपाना जुर्म बन गया। बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस थे, वसीम अकरम प्लस जितनी सपोर्ट उनको मिली है ना, और जितनी सपोर्ट उनको दी गई है, और जितना उनको बैकिंग थी खान साहब की, पीटीआई के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस लेवल जो था वो पजीराई उनको नहीं मिल सकी जो उनको एज अ चीफ मिनिस्टर मिलनी चाहिए। असल मैं भी मेरा भी वही मसला है जो उस्मान बुज़दार का मसला है। बचपन में जब इन जगहों से गुजरती थी, कभी सोचा था कि पसमांदा इलाके को इतना डेवलप कर पाएंगी आप? मैं जब सियासत में आई हूँ, एक ही इंटरेस्ट था कि हमने अपने मुल्क के लिए, चूँकि एक ओवरसीज पाकिस्तानी थी, यूएन में थी, वहाँ पे डॉलर्स में सैलरी ले रही थी, तो मेरे वाले साहब ने मुझे कोई तनख्वाहें या माल बनाने के लिए जो है वो पढ़ाया नहीं था, उन्होंने इन लोगों की खिदमत के लिए मुझे पढ़ाया था। मेरे तो यहाँ कोई रिवाज नहीं है कि कोई नौकरी करे, तो मैं तो पढ़ी थी इनके लिए, डॉक्टर बनी थी इन लोगों के लिए। लेकिन ज़ाहिर है समटाइम्स होते हैं लोग अगर परेशान हो जाए हालात की वजह से, कोई और मामला हो गाँव का, किसी यूनियन काउंसिल का, और वो फट पड़े किसी ऐसे तकरीब में, ऐसा होता है? बड़ी दफ़ा कि लड़ाई उसके अंदर अब आजकल महंगाई की चल रही है, वो मुझे एक ही बात बार बार कहते हैं कि बच्चियां दा की करिए। आपका जवाब क्या होता है उसमें? ज़रा वो एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें मैं बेबस हो जाती हूँ। कितने फीसद एडवाइजर हैं जो सही मशवरा देते हैं? जिसने तो इस आवाम में आना है वो गलत मशवरा दे के अपने हल्के में फारग होने का, खुदकुशी का कोई प्लान नहीं बनाएगा। तो जिसने आना नहीं है, जिसे हल्के में नहीं आना उसने हल्का भी नहीं आना, हल्का भी उसको क्या फर्क पड़ता है कि वो जितने मर्जी सबज बाग दिखा दे, जितना मर्जी उनको हवा पे ले जाए और सातवें आसमान तक पहुंचा दे। गांव में या फॉर दैट मैटर इन खेतों को, खलियानों को देख के कुछ याद आता है बचपन का? फीलिंग क्या आती है, क्या महसूस होता है? वो हमारा जो इस वक्त बचपन के साथ जुड़े जो खुशगवार यादें हैं, कि सड़क पे मैं 7th क्लास में ड्राइव करती थी। ड्राइव करती थी खुद? जी, और मेरी टांगे नहीं पहुंचती थी गाड़ी तक। अच्छा। और मैंने नीचे मेरे वालिद साहब मरहूम गद्दी रख के तो मुझसे ड्राइविंग कराते थे। गांव की पहली लड़की जिसने गाड़ी चलाई, और सिर्फ गांव की नहीं, इस पूरे इलाके की पहली, इस इलाके की पहली फुटबॉलर, फिर इस इलाके की जेवलन थ्रो, डिस्कस, हाई जंप, लॉन्ग जंप और रेले रेस, सारे स्पोर्ट्स, आप किसी का नेटबॉल ले लें, बैडमिंटन ले लें, आप टेबल टेनिस ले लें, हर तरह के स्पोर्ट्स में चैंपियन। चलिए जी, हम पहुंच चुके हैं, आप ऐसे कंटिन्यू करेंगे इस जलसे के बाद। नाज़रीन पहुंच चुके जलसे में, नारे की आवाजें आपको आ रही हैं, इस्तकबाल है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का। और यूं चलते चलते, घूमते घूमते, मिलते मिलाते, प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते करते, कॉर्नर मीटिंग्स, जलसा करते करते हो गई है शाम। हम थक गए हैं, आपा पता नहीं क्या खाती हैं, कोई थकन का एहसास ही नहीं आपको? मैं खाना क्या आपके सामने ही अभी तक कोई चीज़ नहीं खाई है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन लोगों की मोहब्बतें जो हैं वो मुझे तरोताज़ा रखती हैं। क्या बात है। उनकी दुआएं जो हैं वो मुझे सेहतमंद रखती हैं, और उनकी हिम्मतें जो है मुझे जवान रखती हैं। माशाल्लाह। अपर रस्ते में हमने कई प्रोजेक्ट्स भी देखे, स्पेशली पासपोर्ट ऑफिस, नादरा के दफ्तर के बाहर वहाँ बैंक भी है, और उसके सामने जो एक वसी और अराजी है वहाँ पर, क्या कुछ बनने वाला है, कितनी किस्मत बदलने वाली है इस इलाके की, उन प्रोजेक्ट्स से मुताल्लिक प्लीज़ नाज़रीन को बताएं। कि उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत मेरे इस इलाके की ना, उसके आलकोट के साथ स्पोर्ट्स जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पे अच्छी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ी फैसिलिटीज हो। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, इंडोर जिम, आउटडोर जिम,
आपकी लॉन टेनिस कोर्ट, आपके बैडमिंटन कोर्ट, आपका नेटबॉल कोर्ट और ओवरऑल आपकी जो है वो प्रैक्टिस पिचेस क्रिकेट की जो है वो यहाँ पे होनी है। क्या हम पीएसएल यहाँ होता देखेंगे आइंदा आने वाले सालों में? मेरा है कि ऐसा हो कि पीएसएल इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मेरी कोशिश होगी कि यहाँ कोई ना कोई मैच हो। वैसे पीएसएल में टीम कौन सी पसंद है? मैं सियालकोटी जो है, आपको पता है कि पंजाब वाले जो हैं वो कलंदरों पे यकीन रखते हैं, तो फिर कलंदर जिसके साथ कलंदर लग जाए वो, लेकिन सियालकोटी हमारा सपूत जो है शोएब मलिक, वो जाहिर है आपको पता है कि वो इस वक्त जो है वो उसकी टीम डिफरेंट है, तो दुआएं इन सब की, सारे पाकिस्तान है, चलता फिरता पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे ही टीम कोई भी हो जीतता पाकिस्तान, लेकिन जीतता पाकिस्तान। अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ अज़ापा लास्ट में दुआ देती है या कभी फूंक भी मारती है? देखिए, हमने दुआएं ली बुजुर्गों की, लोगों की, तो मौला ने हमेशा मुश्किल सिचुएशन में, क्योंकि मुझे लोग पूछते हैं कि आप पीटीआई में हैं, तो मैं कहती हूं कि मैं पीटीआई में हूं पर मुश्किल में हूं। आखिरी एक छोटा सा सिनेरियो हम आपा को देंगे जाते जाते, इससे पहले कि खुदाफिस करें। आपा, आपने ये सोचना है कि इस वक्त एक गाड़ी भी नहीं है, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है, मोबाइल फ़ोन आपने कान से लगाया, आपने कॉल मिलाई है, इमरान खान साहब को कॉल अटेंड की है, आपने सिर्फ एक ही जुमला कहना है इमरान खान साहब को, कान से लगा के फ़ोन आपने कहना है, क्या कहेंगी? गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगी? कभी नहीं मांगा, इससे पहले भी मैंने कभी नहीं मांगा। थैंक यू आपा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके हलके में आके, आपको देखकर इतना एक्टिव देखकर, अल्लाह हमेशा आपको इतना एक्टिव रखे। और सबसे प्यारी बात ये कि जो लोगों का प्यार आपा को मिल रहा है, ये हमारी दुआ है वो प्यार मिलता रहे, चूंकि जाहिर है सियासतदानों की जान यही सपोर्ट है जो हमें नजर आती है हल्के में, और आपा माशाल्लाह बहुत एक्टिवली यहाँ पे नजर आ रही है। अल्लाह हाफिज़।